वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और पहला श्राद्ध जो होता है वो हमारी दादी का होता है। तो मैंने सुबह उठ के सारी घर की सफाई कर ली है, मैं नहा ली, उसके बाद मैंने सारा खाना रेडी कर लिया। अब बस इंतज़ार हो रहा है प्रतानी जी का कि वो आए और उनको हम जिमाएं। जी तो आपको कैसा लग रहा है आज आपकी दादी का श्राद्ध है? दोस्तों सुप्रभात, आज हमारी दादी जी का श्राद्ध है और जो वैसे मैं इसका हस्बैंड हूँ, हंसता ही रहता हूँ देखो। और सुबह से बेचारी का राजन ने बहुत मेहनत करी है, सुबह 6 बजे से उठ के लगी हुई है और हमारी बहुत ब्लेसिंग है अपनी दादी जी के प्रति। क्या आप मिस करते हो अपनी दादी? जहाँ भी हो, अरे क्यों नहीं करता, दादी जी को और दादा जी को जिनकी बीड़िया पी जाता था बचपन के अंदर। खैर जहाँ भी हो, वो जिस भी रूप में हो, बस हमारी ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद हमारे पे सिर पे बना रहे। और बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों के प्रति आप लोग भी अपनी अपनी श्रद्धा पूरी निभाएं और हमारे हिंदू समाज में जो भी श्रद्धा अनुसार जितना हो सके, हमारे हिंदू समाज में जो भी हम बचपन से देखते हुए और पढ़ते हुए या करते हुए आ रहे हैं उसको आगे निभाएं, किसी और पे ना चले, केवल अपने जो आपकी सोच किसी के प्रति श्रद्धा वाली और जो भी कुछ करने की बनती है जितना आपसे हो सकता है उतना आप जरूर करें। बस यही निवेदन है आपसे, आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है और मेरा खाना बन गया है। ये जो 5 पूड़ियाँ निकलती हैं, गाय की, कुत्ते की, चींटियों की, कौवे की और एक किसकी होती है भाई, अग्नि की, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये आलू टमाटर की सब्जी बना दी है, आप देख सकते हैं। और मिर्ची है, ये मूली का लच्छा है और ये घी है। तो ये आज हमारे अम्मा जी आई हैं, हमारी जीजी का श्राद्ध था जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो अम्मा जी को चरण स्पर्श। आज आप हमारे दादी के रूप में यहाँ पे बैठे हो और ये हमारी सासू जी, माता जी, ये 11 दिन में घूम के आई है अपने भाई बहनों के यहाँ पर। आप जो भी खाओगी वो हमारी दादी को लगेगा। हाँ, दादी से खाइए और अच्छे से खाइए। तो मम्मी आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम्हारी आज सास का श्राद्ध है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सुबह से काम में लगी हुई हो, खाना बनाने में लगी हुई हो, दिल से उनका श्राद्ध मना रही हो। दोनों बम्मे लगी हुई है काम में, दोनों बप्पे लगी हुई है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, जब तक तुम्हारा हाथ नहीं लगता कोई काम पूरा नहीं हो सकता। सही बात है ना? तो बस हमारे लिए तो यही है, तुम बैठे रहो, तुम अपने स्वस्थ रहो, वही हमारे लिए काम है, वही तुमने सब कुछ कर दिया। हमें पता है 11 दिन तुम नहीं थी, तो हमने भैया कूड़ा तक नहीं डाला, हमारा तो 4 दिन से स्टॉक हुआ हुआ है, पता ही नहीं चलता कोई नीचे आते हैं तो भाई। बूढ़े बैठे रहते ना जब तक, देखो है ना, बड़े बूढ़े बैठे रहते ना तो बहुएं बेफिक्र रहती है, कोई चिंता नहीं। नीचे कोई आता है, एंटी गेट बजा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। नहीं भाई देखो, बड़े बूढ़ों का घर में होने का बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत सारा होता है। वो कुछ भी ना करे ना, वो सिर्फ बैठे रहने एक जगह, उसका भी बहुत सारा है। तो मैं तो इस चीज को मानती हूँ, सबके यहाँ बड़े बूढ़े स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मजे में रहें, कुछ बस सही बात है। छोटा बेटा बेटा मिनी बॉय हूँ मैं, मिनी बॉय अभी अभी डिलीवरी हुई थी तभी तो अपने पियर रहने गई थी सब। अब मेरा मन कर रहा है घुड़चढ़ी करने का और अपनी शादी में खुद ही डांस करने का, बल्ले बल्ले करने का, एनिवर्सरी नहीं बनाऊंगा। अच्छा शादी, ठीक है, डबल शादी, ट्रिपल शादी, कल इसी से लूंगा कोई बात नहीं, ठीक है समरिया। ये लो ये हमारी आप दादी जी हो और साड़ी पहन लेना, अच्छे कपड़े में लेकर आई हूं, आपके कंफर्टेबल है, आपके लिए यानी हमारी दादी जी के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट हैम्पर है हमारी तरफ से फुल और इसको ना पहनना भाई, बहुत अच्छा लगेगा आप पहनेंगे।